भोजन के बिना 2 दिन रह सकते, पानी के बिना 1 दिन, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। 1 मिनट में भैया यार हमें तो बहुत बेचैनी हो रही, बहुत ऑक्सीजन की कमी पड़ रही, हवा ले आ, हवा ले आ। 1 मिनट में ही बेचैनी आ जाती। तो भोजन के बिना 2 दिन, पानी के बिना 1 दिन, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हम तुम्हें सीधी बात सूरत के लोगों बताना चाहते हैं, जिस प्रकार हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, हवन हवा है पवन, हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र, उसी प्रकार पवन पुत्र के बिना भी जिंदगी बेकार है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय, प्रसन्न करना है हनुमान चालीसा का पाठ करो। कितना? 100 पाठ। कितने पाठ? 100 पाठ। कितने दिन तक? 40 दिन का अनुष्ठान। ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने हाथों से भोजन बनाते हुए और अपने हाथों से राम जी को प्रसाद लगाकर पाते हुए, बिना बाल और नख काटे हुए, जो 40 दिन तक 100-100 पाठ हनुमान चालीसा के करता है, उसे अवश्य हनुमान जी की सिद्धि मिलती है, अथवा ब्राह्मण रूप में हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी किसके साधक है? राम जी के। राम जी कौन है? राम जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। और तुम लोग तो और सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा तो नाता बड़ा अद्भुत है। हमको तो राम राजा मिले, तुम्हें तो द्वारकाधीश भी राजा के रूप में मिला है, है? हमें भी राम राजा मिले और तुम्हें कौन राजा मिले? बड़ा प्यारा गीत, द्वारका नो नाथ मारो राजा रन छोड़ी से, मैंने मैंने माया लगानी। किस किस को माया लगानी है? प्रेम किस किस को करना है ठाकुर से? कि रुपयों से प्रेम करना है कि पड़ोसी से? अगर आपको भी कोई शत्रु परेशान करता हो और शत्रुओं से बहुत ज्यादा ग्रसित हो तो निराश नहीं होना है। आप भी प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक जलाकर, पान और बीड़ा का प्रसाद, मीठा पान जो होता है उसका प्रसाद अगर प्रतिदिन कोई भी साधक हनुमान जी को लगाता है, और उस पान को प्रसाद लगाने के बाद 48 मिनट बाद अगर उस पान को पाता है तो कोई भी शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर पाता। पहले के समय में रोज रात्रि काल में माताएं और पूरा परिवार भोजन करने के बाद रामायण पढ़ा करता था पूरा परिवार। अब आजकल जब से टीवी और बीवी आई, सब बंद हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब टीवी का भी जमाना गया, आगे को लगो जो मूवी आए लगाओ हेलो, इसी में काम चल रहा है। लेकिन कोई बुराई बात नहीं है, मोबाइल भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, लेकिन हर घर पर शाम को 7 बजे एकत्रित बैठकर सीताराम हनुमान का कीर्तन भी होना चाहिए। किसी के घर में लड़ाई होती हो, बहुत परेशान हो, तो एक उपाय प्रारंभ कर दें, साथ में भोजन करना प्रारंभ कर दें और रोज 20 मिनट साथ में नाम कीर्तन करना प्रारंभ कर दें, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दें, आपका बालक और आपकी बालिका जिंदगी भर नहीं बिगड़ेगी।